अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, आज का आपका जो है लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर वन का, वो टॉपिक 1.6 है विच इज़ मसल्स। सही है। एंड अब आप पढ़ेंगे मसल के बारे में कि भाई आपकी जो बॉडी है, सही है, ऑल अराउंड योर बॉडी आर सम थिंग्स दैट स्ट्रेच अ लिटल। आपकी पूरी बॉडी में देयर आर पार्ट्स होते हैं कुछ ऐसे जो कि स्ट्रेच करते हैं, यानी कि खींचते हैं थोड़े जब आप मूव करते हैं, या यू नो आप जस्ट आर यू फील कि यू नो आप उनको स्ट्रेच करेंगे एंड दे विल बी स्ट्रेच। दे विल स्ट्रेच हाउ? दे विल स्ट्रेच लाइक रबर बैंड्स। ओके, जैसे आप रबर बैंड को जितना खींचते हो खींचता है, एंड देन आप बूम उसको छोड़ देते हो, एंड देन इट्स बैक टू इट्स शेप लाइक स्मॉल रबर बैंड, राइट? दैट्स द सेम केस विथ योर मसल्स। अच्छा जी, बेसिकली उन्होंने आपको बताया हुआ कि आपको पता है ये वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं जो स्ट्रेच होती हैं जब आप स्ट्रेच करो और फिर वापस अपनी शेप में आ जाती हैं। दीज आर कॉल्ड मसल्स। सही है। अच्छा जी, नीचे उन्होंने बोला हुआ है कि इफ़ यू बैंड योर आर्म लाइक दिस, जैसे कि पिक्चर में इस लड़के ने मोड़ा हुआ है, तो आपको फील होगा कि देयर इज़ अ लंप नियर द बैंड। सही है ना। दैट्स द मसल। मसल इस पिक्चर के अंदर मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, दैट्स अ मसल। सही है ना, क्योंकि इस लड़के ने जो है अपना हाथ बैंड किया है, एंड देन देयर इज दिस लंप ऑन हिज आर्म, और वो जो लंप है दैट्स द मसल। सही है। मसल हेल्प यू मूव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। सही है। मैनी ऑफ देम आर अटैच टू योर बोन्स, दे वर्क टुगेदर टू हेल्प यू मूव। अच्छा जी, मसल्स जो है वो बेसिकली किस चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं? आपकी बॉडी को मूव करने में। अगर आप इसकी बहुत सिंपल मिसाल ले लें तो यू हैव योर हैंड, राइट? आपको जो हैंड है, आपके जो फिंगर्स है, आपके फिंगर्स के अराउंड देयर आर मसल्स, देयर इज मसल बिटवीन योर थंब एंड योर फोर फिंगर, राइट? तो उसके बीच में जो पूरा हिस्सा आता है दैट्स अ मसल। आपके हैंड को स्ट्रेच करने में इट हेल्प्स यू। अगर आपको मसल ना हो तो आपका जो हाथ है वो किसी काम का नहीं रहेगा। सही है। अच्छा जी, उन्होंने अब ये बताया हुआ है कि भाई आपके जो कुछ मसल्स होते हैं वो आपकी बोन्स से अटैच होते हैं। द सेम एग्जांपल कि मैंने आपको हाथ की दी है, जो हैंड का जो मसल होता है वो बेसिकली आपकी बोन्स से अटैच है, द बोन्स विच आर कनेक्टिंग टू योर फिंगर्स एंड योर रिस्ट, राइट? अच्छा जी, दे वर्क टुगेदर टू हेल्प यू मूव। भाई ये सारे मसल साथ मिलकर काम करते हैं ताकि आप मूव कर सको, आप चल सको, आप खा सको, या कोई भी एक्टिविटी कर सको, राइट? विदाउट मसल्स यू कुडन स्माइल, यू कुडन स्पीक, वॉक और इवन ब्रेथ। मसल्स के बगैर आप ना हंस सकते हो, ना आप बोल सकते हो, ना आप चल सकते हो, या आप ब्रेथ भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपकी नाक के अराउंड भी मसल्स हैं, मुँह के अराउंड भी मसल्स हैं, देर आर मसल्स एवरीवेयर इन योर बॉडी। और अगर वो मसल्स ना हो तो आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी बेकार है। सही ना। मसल्स ऑल्सो हेल्प मूव थिंग्स अराउंड योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं, मसल्स उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। सही है। योर हार्ट इज़ अ मसल दैट मूव्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। अच्छा जी, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कि मसल्स जो है हेल्प करते हैं चीज़ों को आपकी बॉडी के अंदर तक पहुंचाने में, या उनको आपकी बॉडी के अंदर मूव करने में, उसकी बहुत साफ सी हमारे पास मिसाल आ गई नीचे। आपका जो हार्ट होता है वो एक मसल है जो कि ब्लड को ले जाता है आपकी बॉडी में। अगर आपको पिछले लेक्चर याद हो हार्ट के बारे में या लंग्स के बारे में, तो उसके अंदर ये साफ साफ बताया गया है कि आपका जो ब्लड है वो जो है आपके हार्ट तक पहुंचता है, एंड देन इट गोज़ टूवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। बेसिकली हार्ट जो है वो आपकी बॉडी के पार्ट्स तक उस ब्लड को पहुंचाता है। सो बेसिकली हार्ट इज़ अ मसल एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल। विदाउट योर हार्ट यू कैन डाई। ओके, सो दैट्स द केस हियर। इन फैक्ट विदाउट मसल्स यू वुडेंट बी अलाइव फॉर वेरी लॉन्ग। जो बात मैंने आपको अभी बिल्कुल बताई कि विदाउट योर हार्ट यू विल डाई, आपके हार्ट के बगैर आपकी डेथ हो जाएगी। द सेम थिंग दे आर सेइंग हियर के मसल्स के बगैर जो है आप बहुत ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सकते। यू वॉन्ट बी अलाइव फॉर दैट लॉन्ग। सही है। अब वो आपको बता रहे हैं कि आपने अपने मसल्स को हेल्दी कैसे रखना है।
कीपिंग योर मसल्स हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली अल्लाह ताला के नेमत है, हमें अपने मसल्स को हेल्दी रखना है. वी हैव टू कीप आवर मसल्स हेल्दी इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी लाइफ. सही है. यू कैन डू दिस बाय बीइंग एक्टिव, गेटिंग इनफ रेस्ट एंड ईटिंग हेल्दी फूड. बहुत आसान तरीके आपके पास ये करने के, आप एक्टिव रहिए. आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि यू हैव टू बी एक्टिव इन ऑर्डर टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. यू हैव टू गेट इनफ रेस्ट. देखिए आपके मसल्स, आपने इतना रेस्ट भी नहीं लेना कि आपके मसल्स जो हैं वो बहुत लेज़ी हो जाएं, आपके मसल्स किसी काम के आदि ना रहे. लेकिन आपको अपने आप को इतना ओवरवर्क भी नहीं करना कि आपके मसल्स में दर्द शुरू हो जाए. आप फिर ज़रा सा भी कोई काम करें तो आपके मसल्स यू नो दर्द करना शुरू हो जाए और फिर वो दर्द ही ना बंद हो. तो एक मॉडरेट, यानी कि एक आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम को जो रेस्ट होता है वो आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है. फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग, 8 hours स्लीप इज़ मस्ट. तो 8 घंटे अपना रेस्ट लीजिए. सही है, आप कोई काम कर रहे हो उसके बीच में आप थोड़ी देर के लिए उस काम को छोड़ दें एंड टेक 5 मिनट ब्रेक टू रेस्ट योर मसल्स. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा और हेल्दी खाना खाएं. सही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स इंपॉर्टेंट कीप योर मसल्स हेल्दी. इट्स इंपॉर्टेंट कीप योर बॉडी हेल्दी. सही है. हेल्दी मसल्स लेट यू मूव फ्रीली एंड कीप योर बॉडी स्ट्रांग. अगर आपके मसल्स हेल्दी हैं तो यू कैन मूव फ्रीली, आप आराम से चल फिर सकते हो और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है. सी, एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बी अ स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग. लेकिन अगर आपके पास स्ट्रांग मसल्स नहीं है तो आपके पास स्ट्रांग बॉडी नहीं हो सकती है, राइट. और अगर आपके पास स्ट्रांग बॉडी नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग टाइम. सही है. दे हेल्प यू टू वॉक, रन, जम्प, लिफ्ट थिंग्स, डांस, प्ले स्पोर्ट्स एंड डू अदर फन एक्टिविटीज़. भाई अगर आपके मसल्स आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं तो आप देखें कि इसके कितने फ़ायदे हैं. आप भाग सकते हैं. आप देखें, यहाँ मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि जी आप भाग सकते हैं, आप कूद सकते हैं, आप चीज़ें उठा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं और आप बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. सही ना. एंड दे हेल्प यू टू डू अदर नॉट सच फन थिंग्स दैट यू हैव टू, लाइक पुटिंग योर थिंग्स अवे एंड क्लीनिंग योर रूम. भाई आपकी दिल की बात एक्सप्लेन कर दी गई है यहाँ पर कि मसल्स आपके उन कामों में मदद करते हैं जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है लेकिन आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका रूम साफ़ करना, आपका होमवर्क करना या कोई ऐसा काम करना जो आपके लिए नेसेसरी है लेकिन आपको वो करना नहीं है. तो मसल्स बेसिकली इन सब कामों में आपकी हेल्प करते हैं, राइट. तो अगर मसल्स आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ड्यूटी टू कीप योर मसल्स हेल्दी. सही ना. सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट योर मसल्स, वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मसल्स, वी डिस्कस्ड हाउ there are muscles outside like inside of your body and they're helping things to move inside of your body and how you have to keep your muscles healthy. Sahi hai. I hope aapko is lecture ke bare mein sab samajh mein aa gaya. Have a good day.